ये फ्रेंड चल रहा है यहाँ पे फोन के ऊपर, और जिसने ले लिया आते ही फोन, और जिस पे और जिसके पापा इसको समझा रहे, लेकिन बच्चे समझते नहीं कितना भी इनको समझाओ। और ये यहाँ पर देख सकते हो आप, और ये खिया इधर, ये रूस के बैठी हुई है, वो पता नहीं क्यों बैठी हुई है यहाँ पे। बन रही मेरी चाय, उबल चुकी है चाय। तो फ्रेंड मैंने बना ली यहाँ पर चाय, और बच्चों की बना दी है, बच्चों के लिए बना दी रोटी, तो वो अभी खा रहे हैं और हम पियेंगे अभी चाय, क्योंकि चाय का टाइम हो चुका है। साथ के साथ काम हो जाता फिर बार बार, मेरा तो मन भी नहीं करता किचन में आने का। और ये मैंने लिए नमकीन, और ये है खोए का लड्डू, तो जिसको जितना लेना होगा खाना वो खा लेंगे। वैसे इस टाइम कम ही मन करता है खाने का, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत चाय के साथ खा लेना चाहिए, तो इसीलिए मैं। और कल हमने बनाई थी बाजरे की खिचड़ी, जो थोड़ी सी बची हुई है, उसका मैंने कोई ब्लॉग शूट ही नहीं किया, मेरे को याद ही नहीं रहा। वैसे मैंने और भाभी ने कुटी थी साथ में, फिर बना ली थी। वैसे मैं तो थोड़ी ही खाती, लेकिन ये है कि सारी नहीं सकती, सीरो को दे दी थी और थोड़ी थोड़ी सब ने खा ली थी कल। तो मुझे लग रहा था बच्चे नहीं खाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने खा ही ली। और ये यहाँ पर है हमारी चाय, और मुझे ऐसी चाय पसंद है, ऐसा कलर। यहाँ पर है खिया, खा रही है खाना। और आज मैंने बनाई थी आलू गाजर गोभी की सब्जी, और ये रो रोई हुई है ये। कोई नहीं, बच्चों का ऐसे चलता रहता, कभी रोते कभी हंसते हैं। यहाँ पे पति देव जी चाय का वेट कर रहे हैं, और ये यहाँ पर रोजस फोन में भी लगा हुआ है, रोटी भी खा रहा है, इसने ले रखी लस्सी साथ में। और आते ही फोन, अब इसकी पिटाई शुरू होने वाली है थोड़ी देर में, क्योंकि मानेगा नहीं तो। और ये वाली क्लिप मैं इसके मास्टर ने भेजूंगी, जो उसका इंचार्ज है, कि आते ही घर पे ये करता है, आते ही फोन है। कितनी देर घुमा, अरे कूद तो लियो, कूदते तो सोए ना। सारे बड़े जाओ पड़े। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब, सुबह की राम राम। तो अभी सुबह का टाइम अभी बचे हुए हैं 7, तो मैं आज मास है तो इसे क्या बना रही, आप मेरी खीर बन करोगे तैयार, थोड़ी बहुत बाकी है तो वो भी अभी बन जाएगी। आटा गूंद दिया है, और सब्जी बच्चों बच्चों के लिए बनाऊंगी, और बाद में बनाऊंगी सब्जी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि अभी साथ के साथ सब कुछ कर लें। शुरू को रोटी नहीं दी है, क्योंकि उसे भी तभी मिलेगी जब पितरों की निकल लेगी, तो उससे पहले मुझको भी नहीं देने वाली, उसके बाद ही दूंगी। और यहाँ पर मैंने निकाली अपना चकला, और भी बनाती हैं रोटी पितरों के लिए, और ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पाऊँ, क्योंकि टाइम भी नहीं है और जल्दबाजी का काम। तो फ्रेंड मैं गायक रोटी देख के आ गई, और आके फिर मैंने बच्चों के लिए पराठे भी बना दिए, और फिर मैंने सोचा कि चलो मैंने आलू उबाले थे, तो मैंने वैसे तो आलू मटर की सब्जी बनाई थी बाद में, तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए किए थे आलू फ्राई। तो ये तवा तो जैसे चिकना हो जाता पराठे बनाते हैं, तो मैंने सोचा चलो एक बर्तन करने से अच्छा है इसी के ऊपर मतलब वो फ्राई कर दूंगी आलू फ्राई, जीरा आलू बोल सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने जीरा थोड़ा घी डाला, जीरा डाला, और जो भी मसाले डालने थे वो डाल के, और मैंने डाल दिए इसमें आलू, और बस यहाँ पर आलू डाल दिए, और अब मैं इनको फ्राई कर दूंगी। तो आज मावस थी, तो इस वजह से जल्दी जल्दी काम करना था, और जल्दी जल्दी क्या था कि ये था कि बच्चे जाने से पहले अगर गाय को रोटी वगैरह दे दो तो फिर उनका भी खाना बन जाता है, वरना फिर। और वैसे भी हमारे तो यही होता है कि जब तक पितरों का खाना में तो कोई ना खाए तो ये अच्छा होता है, वैसे तो कभी कभार तो चल जाता, लेकिन हमेशा तो नहीं। और यहाँ पर सारा काम होता है, तो यहाँ पर जस्ट तैयार होकर आ गया था, और अपने फ्रूट ले रहा था। स्टॉल तो प्योर का, ये प्योर के शॉल, ये प्योर का स्टॉल, प्योर के शॉल अलग अलग रेट के हैं। ये देखो शॉल प्योर पश्मीने के, एक से बढ़कर ये शॉल प्योर पश्मीने का देखो। ये तो ले रहे स्टॉल में चाहिए था को डार्क कलर, कौन सा सूट, ये शॉल है। हाँ ये शाल है, शाल ले ले, शाल का
स्टोर लेना सूट किसे ले रहा है सूट दिखाइए इधर ही साढ़े चार सौ ये दिखाइए इधर सूट साढ़े चार सौ ये चल रही है यो ये चल रही है ले लो बस साढ़े चार सौ कलर भी है उसका माल नहीं है दे देना कोई और भी ले लेगा जो भी इससे कहा के जो भी इससे ये सूट का सूट है ये भी सूट बढ़िया इसका पूरा भरा मतलब इससे पहले लिया था पिछले सी मैं भी ना फोटो खिंचाएगी मुन्नी वर्गी कहा मेरा वर्गी दो चार ये इसके हैं क्या सूट ये वो देख ले ये तेरे हैं भैया महंगे था वाले थे ओ महंगे आने के देखा होगा जब मेरा पटका महंगे थे सारे इसी कलर में खराब हो जाता है ये जो कलर है सोना चांदी भी है तो हीरे मोती दिखा सोना चांदी छोड़ मोती देख ले ये इसका अलग डिजाइन है भैया उसका तो ना इसका तो एक के पीस था वो इसमें एक ही कलर है कौन सा ले लिया यो कलर इसका सेल ही दे दे झूठा ये सब तो महंगे ये दिखा देनी ये देखिए किसी एक तो यो है एक यो। ये महंगे तीनों पीस है इनको क्या करेगा ये नहीं किसी बंदे की दे झूठा तो ये सिगर मैरून का ले लो मैरून का है सलवार है स्टोल ये शाल है ये दो पीस है स्टोल तीन पीस है मगर महंगे महंगे ना वो यू दे दिले ढाई सौ ये साढ़े चार सौ चल डबल कपड़े में दोनों साइड ये ढाई सौ दोनों ले लेंगे ये नहीं आएगा दे साढ़े चार सौ का है ये वाला वो कोई नहीं ये है ये दस क्यों मेरे को नहीं तो भाई चलो तो गणे लाइट कलर तो सही हो सही हूँ तो दो सौ रुपया तो बदला बन लो मैं तुम करो तो ले ले सही कर ले ले माता पता के मेरे बोले ले ये भी शाल स्टोर लिए थे ना अपन कौन सा लिया था पहले यो यो ले रखा है मैंने सोचा यो दे दे भाई बदल का यो क्या देगा उसने ना बदला बदला रेट लिख रखा है 1050 एक हजार पचास पता ये क्या है दस ओब्लिक दस पीस आए पचास दीपावली है क्यों बारी अच्छा अच्छा
1100 का पूरा स्टॉल पसंद ब्लैक रेड ग्रीन व्हाइट तीन कलर देखो ले रखे ना पानी इसको बोलते हैं कश्मीरी शॉल इसका बॉडी जो है ना इस पे देख रहे हैं देख रखे मैं क्या दिखा दे एक बार इसको बोलते हैं कश्मीरी कानी शाल दे वेट है नहीं पहले भी तो दे गया था ये नहीं है वो वे भी से के तुम ये देखो इसका वेट है नहीं सूट देख ले पहले ना कौन का दिखाइए कौन सा हाथ खुल ऐसे बन जाएंगे चैन तरीक से खुली पड़ी पहले कदम कद कलर स्टॉल बढ़िया क्या तो ना लगता और इसको बोलते हैं कश्मीरी इसमें कानी स्टाल आएगा जैसे कानी शाल आता है ये खराब हो रहा दे ये कटना पड़ेगा यहाँ से साइड में है तो स्टॉल की चीज का ये स्टॉल है इसको बोलते हैं प्योर मेरी बहन ये भी ये सूट कितना का सूट कितना है इसका देख के बोल लगायो इसका छोटा तो सही है 2400 बताओ कितने का है ये सूट ना नवा क्वालिटी दे देगी फिर लेवांगे बस थोड़े लास्ट सीजन में लास्ट सीजन में नहीं आएगा अरे लास्ट सीजन में इसका बाजू है ये किस तरह है तो ब्याह भर का सूट है ये बाजू है इसका सही लग रहा है ये कितना में देगा ये 3500 के डटी जा ये वो चीज नहीं है रहने दे ये वीडियो में देखी थी मैंने 1200 रुपए कितने हेलो उन वीडियो में देखी 1200 मोना दे दो ये दे माल है छ सामान देता 1000 रुपए में 1100 वाले तो गई या दे तो आई मुका है सिम में पाछ मेरा पट्टा कपड़ा मेरे को बना के वीडियो तेरी ओड़ा तू इसका दिन या बुडंग लड़कन का बुडंग लड़की फिर क्या हो गया नुका देंगे ये कौन बता दो पास ले किसो थे ना हाँ वो स्टॉल था ये स्टॉल खोल ले रहा शाल ले रहा तो 100 रुपये सूट पर मन देगी मैं बेच के यार करते हैं सेल ला लूँ इसको बालना तेरे नुकाड़े बैठी रहेंगी तेरे ना बिकेंगे तेरे नुकाड़े बैठी रहेंगी उठूं नहीं हेलो फ्रेंड तो दोपहर के बाद मैं मिल रही हूँ आपको अब तो कश्मीरी वाला सूट वाले आए थे वो अभी मतलब दिसंबर में शुरू हो जाते हैं नहीं तो वैसे मैंने तो पिछले साल ही सूट ले लिए थे चार तो मेरे तो अभी तक वो सिले नहीं है तो इस बार वैसे कुछ अभी वो ज़्यादा वैरायटी तो लेके नहीं है तो आज मैंने उनसे लिया था स्टॉल और आपने वीडियो में देखा था तो आप बताना कौन सा सूट ज़्यादा अच्छा लगा उसमें से और ये भी बताना कि अगर आपको होगा तो मैं जब भी आएंगे उनकी और वीडियो बना दूँगी आपको अगर पसंद आई हो और भी बना दूँगी कभी देखते हैं तो क्योंकि रुकवाते तो मैंने लिया था ये वाला स्टॉल और ये सॉफ्ट कपड़े में बिल्कुल थे तीन ही स्टॉल थे एक भाभी ने लिया और एक और पास में पड़ोस में उन्होंने लिया था तो ये हमने लिए 200 रुपये में और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये बैक कैमरा से दिखा दो इसमें आपको अच्छे से दिख रहा फ्रेंड ये है स्टॉल नहीं है स्टॉल है ये 200 रुपये में और बहुत ही मतलब तीन ही बचे हुए थे उसके पास और फिर मैंने भी लाइक 200 रुपये में तो वैसे भी क्या ही आता है और ये दोनों साइज इस साइड थोड़ा लाइट है और इस साइड थोड़ा सा डार्क है और इसमें हल्का हल्का प्रिंट है और सही है तो मैंने ये डेली यूज में डालने के लिए ले लिया है तो फ्रेंड अभी तो मैंने ये स्टॉल ही लिया है एक जो मैंने आपको दिखाया है तो सूट तो मैंने कोई लिया नहीं वैसे भी जो पहले लिए थे वो इसीलिए नहीं है
तो फिर क्या फ़ायदा लेने का। पिछले साल लिए थे मैंने सूट, और ये वाला स्टोल भी लिया था मैंने, उन्हीं से ले रखा है। एक ये लिया था, एक ब्लैक और एक शॉल भी लिया था, एक भाभी ने दिलाया था मेरे को। और पिछले साल मैंने लिए थे सूट, एक तो आपने मेरे को खाटू श्याम वाले ब्लॉग में देखा होगा, एक तो वो वाला सूट लिया था मैंने, और एक ये ब्लैक, ये भी पश्मीना का ही दिखाती हूँ, बैक कैमरा से दिखाती हूँ। एक सूट लिया था मैंने, ये वाला ब्लैक, और ये बहुत अच्छा सूट है। इसमें ऐसे प्रिंट है और इसका गला बना हुआ है, और इसका शॉल देखोगे ना, पूरा इसका शॉल का भी सूट बन सकता है। शॉल मतलब स्टॉल नहीं है, ये पूरा शॉल है, आप देखोगे तो इतना लंबा है, और ऐसे प्रिंट है इसका, और बहुत अच्छा ब्लैक तो वैसे भी जो कलर होता है वैसे अच्छा लगता है। इसके नीचे मैंने बनवा रखी है सलवार, तो सलवार पे भी ऐसे बना रखा। और ये जो कश्मीरी होते हैं ना, क्वालिटी तो सब अच्छी ही का काम है साथ में, आप देखोगे तो थोड़े चमक है। ये मेरा सूट है, पिछले साल का। तो फ्रेंड यहाँ पे चल रही है मोमोज पार्टी, क्योंकि आज है मेरी बहन का बर्थडे, और उसकी तरफ से उसने करवाई है बच्चों को पार्टी। तो हमने सोचा कि इस मौसम में मोमोज से अच्छा क्या हो सकता है, तो बच्चे लेके आए हैं मोमोज। हाँ लाए तो पापा, लेकिन बच्चों के लिए मैं भी खा लूँ, सब खा लेंगे। और ये किया मिर्ची, कोई ना छोटी वाली प्लेट ले ली, जब वो ले ले देख, वो ट्रे ले ले। इसमें ना बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप होटल में आए हो। दिखाना इसको अच्छे से तो कर ले, होटल की तरह कर रही है तो अच्छे से, इसको ऐसे नहीं लगाते होटल में। तू होटल में अगर तेरे को भगा दी नहीं, किसी लड़की को कुछ नहीं आता। थोड़ी साइड हो पहले तुम, उधर मम्मी एक रेड चटनी डाल दो और एक साइड वाइट ये रुक जाओ जिस दिन। अरे हाँ मैंने कर दिया, हट जाओ ऊपर लेके जी। हाँ इसको लठ मारे मैंने बहुत सारे। तो यहाँ पर हमारी ट्रे हो गई है रेडी, ये फोटो अच्छी लगती है, पर मैंने जो मेयोनीज डाल लिया ये साल अच्छी नहीं लगी। तो ये वाली ट्रे अच्छी है स्नैक्स के लिए, वैसे बहुत ही, चलो खाते हैं। सिरो बोक रहा, सिरो को कुछ खाना, लेकिन हम सिरो को खिलाएंगे नहीं। सिरो बहुत ही बदतमीज आदमी है, आदमी नहीं है कुत्ता, ये खा लेते हैं। यहाँ पे लाइटिंग अच्छी है वैसे ना, चलो यहाँ पे फोटो खींचते हैं। गाइस आप देखते हो गपशप, कुछ नहीं देखते गाइस। तो चलो फ्रेंड आप भी खा लीजिए मोमोज, आप मेरी बात सुनिए, रेडी टू ईट मोमोज। चलो सबसे पहले बाइट मैं लेती हूं, और मैं बस हाथ में मम्मी को खिला दे, ये ले मम्मी मोमोज खा ले। मम्मी जी आप भी खा लीजिए। तो फ्रेंड ये था मेरा आज का व्लॉग, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप कहोगे तो मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और बना दूंगी। और आपको बताना, आप बताना कि आपको कश्मीरी सूट कैसे लगे, आप देखना जरूर, जो भी अच्छा लगा कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय 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 बाय। मैं फिर ना आएगा।